इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय श्री सवाई लाल जैन जी की 20वीं पुण्य स्मृति में श्रीमती चिंतामणि सवाई लाल जैन परिवार कन्नौज मुंबई। अलमो सिद्धा अलमो आयरियानम अलमो सवशाहुनम् एसो पञ्चेणमुयारो सवपावत्वनाशिनो मंगलालं च सवेसिं परमं ओ मंगलं। जय बोलो देवादिदेव एक हजार आठ श्री भगवान महावीर स्वामी की जय। जय जय अहिंसा परमो धर्म की जय। जय परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्या सागर जी महाराज की जय। बोली गुणायतन प्रणेता संघ का समाधान करता भावना योग प्रवर्तक तरुणाई के प्रखर वक्ता पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज जी की मुनि संघ की जय। जय जय ओ एक सेठ भगवान के मंदिर में सोने की थाल में बहुमूल्य सामग्री लेकर पहुंचा और भगवान से कह रहा था, हे भगवान, मैं तेरा इतना बड़ा भक्त, तेरा मैंने इतना विशाल मंदिर बनवाया, रोज सबसे पहले मैं तेरी पूजा करता हूँ, तेरे चरणों में बहुमूल्य द्रव्य चढ़ाता हूँ, फिर भी तू मेरी सुनता क्यों नहीं? मैं कब से कह रहा हूँ मेरे पास धन है, संतान है, संतति है, पर स्वास्थ्य क्यों नहीं देता? मेरी सुनता क्यों नहीं? सेठ अपनी सुनाकर निकल गया। भगवान ने कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया। थोड़ी देर बाद एक अंधा भिखारी भगवान के चरणों में पहुंचा और अहोभाव से भर कर कहा, प्रभु, किन शब्दों में आभार व्यक्त करूं तेरा? तूने मुझ पर कितनी कृपा बरसाई है। कि आज मुझे सबल पैर दिए जिनके बल पर मैं तेरे चरणों में आकर अपना मत्था टेकता हूं। मैं बहुत बहुत आभारी हूं प्रभु, मुझ पर ऐसी ही कृपा बनाए रखना। भले ही मेरी इन आंखों से किसी को देख नहीं पाता, पर तेरी कृपा दृष्टि मुझ पर पड़ जाती है, फिर मुझे कुछ देखने की इच्छा नहीं होती। दोनों भगवान के चरणों में पहुंचे हैं। कहने को एक सेठ है और दूसरा भिखारी।
आप किसको अच्छा समझोगे, सेठ को कि भिखारी को? बोलो हाँ, अच्छा भगत कौन है, सेठ की भिखारी? हाँ, तो भिखारी बनने का आशीर्वाद दे दूँ? हाँ, अरे मैं आशीर्वाद क्या दूँ, भिखारी तो तुम बने हुए हो। बोलो, भिखारी केवल वे नहीं जो सड़क पे दूसरों के आगे भीख मांगते हैं, वो तो दो दस पांच रुपयों के लिए मांगते हैं, बड़ा भिखारी तो वो है जो भगवान के चरणों में रोज दो पांच दस करोड़ मांगता है, जो याचना भरा चित्त लेकर भगवान के चरणों में जाता वो भिखारी है। मैं तुम्हें भिखारी नहीं बनाना चाहता, मैं पुजारी बनाना चाहता हूं, पुजारी बना। दो स्थितियां हैं, एक शिकायतों में जीने की और दूसरी अहो भाव से भरकर जीने की। अपने जीवन के प्रति दृष्टिपात करो, तुम्हारे जीवन में क्या है, शिकायतें या अहोभाव? कैसे जी रहे हो? जीवन सब जीते हैं लेकिन सबके जीने का तरीका अलग अलग होता है। जैसे तैसे जीवन जी लेना जीवन का मकसद नहीं, केवल जीवन को गुजारने का नाम जीवन नहीं है, हर पल जीवन का रस निचोड़कर जीने का आनंद लेने का नाम जीवन है। मैं आपसे ये नहीं कहता कि आप जियो, मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि आप जीने का रस लो, जीवन का आनंद लो, जीने का रस लो, जीने का आनंद लो। कैसे ले? अभी जैसे जी रहे वैसे कैसे जी रहे हो? कुछ लोग भुन भुनाते हुए जीते हैं, सुबह होती है और भुन्नाहट शुरू। मैं आपसे कहता हूं भुन भुनाते हुए नहीं, गुनगुनाते हुए जीना सीखो, गुनगुनाते हुए जीना सीखो, और तुम्हारे जीवन में गुनगुनाहट आ सकती है, वसरते वैसी दृष्टि विकसित हो। वो दृष्टि यदि विकसित हो गई तो जीवन की एक अलग अनुभूति होगी, एक अलग रस आएगा, एक अलग आनंद आएगा। सवाल है जीवन का आनंद किसमें, किसमें है जीवन का आनंद? अनुकूलताओं को जोड़ने में, चीजों को बटोरने में? संत कहते ये नहीं, जीवन का असल आनंद जीवन का रस लेने में है, और ये बाहरी साधनों में नहीं अंतर्दृष्टि से उद्घाटित होता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं आप कैसा जीवन जीना चाहते हो? बोलो संतोष बाबू। हाँ, भगवान के चरणों में तो दिन भर रह नहीं सकते, भगवान के चरण में जाते हैं जरूर लेकिन दिन भर भगवान के चरण में नहीं रहना चाहते। आप अपना जीवन कैसा जीना चाहते हो? डॉक्टर साहब कैसा जीवन जीना चाहते हो? अच्छा, खुशहाल, है ना? आपकी तरफ से मैं ही बोल देता हूं, कैसा जीना चाहते हो? खुशहाल। सवाल है आप सब खुशहाल जीवन जीना चाहते हैं लेकिन अपने जीवन की खुशहाली की कोई तैयारी है? आप अपने जीवन की खुशहाली किसमें देखना चाहते हो? कहने को कह रहे हो कि मैं खुशहाल जीवन जीना चाहता हूं, सच्चे अर्थों में अगर तुम्हारे अंदर उतर करके देखा जाए तो तुम चाहोगे मैं ऐसा जीना चाहता हूं कि सागर में सबसे ज्यादा पैसा वाला मैं बनूं, सबसे ज्यादा पावर मेरी हो,
सबसे अच्छी पहचान मेरी हो और सबसे अच्छी प्रतिष्ठा मेरी हो, यही है ना। तुम खोजते हो पैसा, पावर, प्रभाव और पहचान, और इसमें ही तुम अपने जीवन की खुशहाली खोजते हो, है ना। और पूरा यत्न भी इसी के लिए है। अब तक जो कुछ भी किया है केवल और केवल इसी के लिए किया, अच्छी बात है। तुम्हारा अनुभव क्या बताता है? पैसा तुमने बहुत जोड़ लिया, पहचान भी तुमने पाली, प्रभाव और प्रतिष्ठा भी बढ़ा ली, खुशहाली आई कि नहीं? क्या मुंडी हिला रहे हो? हाँ, आई नहीं? आई, आएगी भी नहीं। महाराज ऐसा अभिशाप तो मत दो। मैं अभिशाप क्यों दूंगा? किसी के अभिशाप देने से कोई अभिशप्त होता नहीं, लेकिन तुम सब अभिशप्त जीवन जी रहे हो, क्योंकि तुम्हारे जीवन की दिशा और दृष्टि सही नहीं है। जब तक ये अवधारणा नहीं बदलती, जीवन का सार हासिल हो ही नहीं सकता। खुशहाली बाहर के चीजों में नहीं, खुशहाली अंतर आत्मा में है। आज चार बातें आप सबसे मैं कहना चाहूंगा, जो आपके जीवन को सदाबहार प्रसन्न बनाए रख सके, जिसके बदौलत आप अपने जीवन में स्थायी खुशहाली पा सको। चाहते हो हा? हमेशा खुशहाल रखने के लिए चार बातें। सबसे पहली बात, अपने सुबह की शुरुआत प्रसन्नता से भरकर कीजिए। सुबह की शुरुआत प्रसन्नता से भर करके कीजिए। आप लोगों में कहावत है कि सुबह सुबह किलकिल हो जाए तो दिन भर किलकिल होता है, कहते हैं ना। तो मुझे नहीं मालूम सुबह की किलकिली से दिन भर किलकिल होती कि नहीं, क्योंकि मेरी किलकिल होती नहीं, तो मेरा अनुभव नहीं। लेकिन सुबह की प्रसन्नता पूरे दिन प्रसन्नता देती, इसका अनुभव मुझे है। और जो प्रयोग मैं करता हूं, यदि आप करने लगो तो आप भी उस प्रसन्नता का रस ले सकोगे। क्या करो? सुबह उठो, आंखें खोलो, मन को परम प्रसन्नता से भरो। क्यों? क्यों भरो प्रसन्नता से? इसलिए भरो कि इस धरती के उन भाग्यशाली लोगों में मैं हूं जिसे आज जीवन का नया दिन देखने का मौका मिला है। बोलो, प्रसन्नता होनी चाहिए कि नहीं? जोर से बोलो, होती है कि नहीं? अरे महाराज, आंखें मीड़ मीड़ के उठते हैं तो क्या होगा? उठते ही ये एहसास करो कि इस धरती के भाग्यशाली लोगों में मैं हूं जिसे आज जीवन का नया दिन देखने को मिला है। और जब नया दिन मिला है तो मन में प्रसन्नता तो होनी चाहिए। मैं तुमसे पूछता हूं, तुम्हारी जिंदगी से बड़ी कोई सौगात है क्या? लाखों करोड़ों की सौगात एक तरफ और तुम्हारे जीवन की एक सांस एक तरफ, कौन बड़ी है? हा? तो तुमको कोई दो रुपये की गिफ्ट देता है, एक स्माइल दे देते हो, थैंक्स दे देते हो, जिसने तुम्हें जीवन का नया दिन मिला उस दिन को पाकर प्रसन्नता की अनुभूति क्यों नहीं? मैं सुबह उठता हूं ना, उस घड़ी मेरे मन में भारी प्रसन्नता होती, बहुत प्रसन्नता लगता है कि आज नया दिन मुझे मिला। और उस प्रसन्नता के साथ मैं प्रकृति, प्रभु और परमात्मा को आभार प्रकट करता हूं कि मैं भाग्यशाली हूं कि आप सबकी कृपा से मुझे नया दिन मिला। और मन ही मन संकल्प लेता हूं, आज के इस दिन को मैं उत्सव की तरह जीऊंगा।
आज मुझे प्रसन्न रहना है, आज का पूरा दिन मुझे प्रसन्नता के साथ बिताना है। मन का ये संकल्प मुझे हर पल प्रसन्न बनाए रखने में मददगार बनता है। आप भी ये प्रयोग कर सकते, इसमें कुछ लगना तो है नहीं। जब उठो प्रसन्नता से भरो, सबको आभार प्रकट करो और मन ही मन संकल्प लो कि मुझे आज प्रसन्नता के साथ जीना है, आज के दिन को एक उत्सव की तरह जीना है। यदि मन में ये राव प्रकट हो जाए तो उत्सव होगा, फिर उदासी कभी हावी नहीं होगी। अभी क्या है, उत्सव है कि उदासी? हाँ, उत्सव है। अभी महाराज आपके सामने तो उत्सव है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि ये उत्सव तुम्हारे जीवन का अंग बन जाए और सदा उत्सव बना रहे। इसके लिए किसी से कोई गुहार करने की जरूरत नहीं है, केवल अपने मन को तैयार रखने की जरूरत है। तो पहली बात क्या करना है आपको, अब आज का दिन तो निकल गया लेकिन अगले क्षण से मुझे प्रसन्न रहने के लिए अपने मन को तैयार रखना है, रखना है और पूरे दिन प्रसन्न रहना है। सुबह उठो, मुझे प्रसन्न रहना है, मुझे प्रसन्न रहना है, मुझे शांत रहना है, ये वाक्य अपने अंतश्चेतना में बिठा दो तो जब कभी कोई उफान आने को होगा तो अंदर से आवाज आएगी, मुझे प्रसन्न रहना है, मुझे शांत रहना, अपने आप शांति आएगी। प्रसन्न कोई कुछ भी हो, दिमाग में प्रेशर आए, मुस्कुराने की कला अपनाओ। जब दिमाग में कोई मेंटल प्रेशर आए, थोड़ा सा मुस्कुरा दो, एक स्माइल दे दो, सारा प्रेशर खत्म। आप लोग खाना बनाती हो ना, कुकर में बनाती, कुकर में सीटी कब बजती, हाँ प्रेशर बढ़ जाए, और सीटी ना बजे तो क्या हो, कुकर फट जाए। तो मैं आपको सूत्र देता हूँ, जब भी दिमाग में काम का प्रेशर बढ़ने लगे, तनाव बढ़ने लगे, प्रसन्नता की सीटी बजा दीजिए, सारा प्रेशर ठीक हो जाएगा, अन्यथा दिमाग फट जाएगा। प्रसन्नता को जीने का लक्ष्य बनाइए। दूसरी बात, सकारात्मक दृष्टि रखिए, पॉजिटिविटी, हर क्षेत्र में, हर विषय में। आप जितनी सकारात्मकता रखोगे जीवन में, उतने ही प्रसन्न रह सकोगे, उतने ही सफल हो सकोगे। आप अपने अंतर्मन को टटोल कर देखिए, आप में सकारात्मकता रहती है या नहीं, आप किस नजरिए से चीजों को देखते हैं। जैसी दृष्टि से देखोगे वैसा दिखेगा। संसार है, तुम सोचो कि संसार में सब कुछ मेरे मन के अनुकूल ही हो तो यह असंभव है। चक्रवर्तियों के भी मन के अनुकूल नहीं हुआ, उसका भी पराभव हुआ, अभी महाराज श्री ने आपको सुनाई। संसार में चीजें मेरे मन के अनुकूल हो ये मेरे हाथ में नहीं है, पर संसार में जो हो रहा है उसकी व्याख्या मैं अपने अनुकूल करूं, ये मेरे हाथ में है। सकारात्मकता रखने का मतलब दुख में सुख खोजने की कला विकसित कीजिए। क्या कीजिए? दुख में सुख। तुम्हारे जीवन में 100 दुख हो लेकिन यदि तुम्हारी सोच सकारात्मक होगी तो उस दुख में भी सुख खोज सकोगे, और फिर तुम्हें कोई दुखी कर ही नहीं सकता। और सोच यदि नकारात्मक है तो तुम्हारे पास 1000 सुख भी क्यों ना हो तो भी तुम दुखी ही बने। उसकी धर्म पत्नी को एक भाई अर्ध विक्षिप्त पागल, पिताजी का अवसान हो चुका,
और माँ भी बीमार। लेकिन हमारे प्रवास के दौर में वो पर्याप्त समय देता, नियमित आता और कभी किसी भी प्रकार की कोई व्यथा कथा मुझसे प्रकट नहीं किया कि मेरे साथ ऐसी कोई परेशानी, पत्नी को कैंसर, भाई विक्षिप्त और माँ बीमार, पिता है नहीं। उसके कॉलोनी में जाना हुआ, चौका लगाया, आहार हुआ, उसके बाद मुझे मालूम पड़ा कि इसकी ये स्थिति। उसके एक साथी ने मुझे सब बातें बताई। जब मैंने उससे पूछा तो उसने जो बात कही वो समझने की। उसने कहा, महाराज मैंने तो जो कुछ सीखा आपसे सीखा, आपके प्रवचनों से सीखा है, भले आज आप हमारे नगर में आए हो लेकिन मैं वर्षों से आपको सुनता रहा हूँ, और न केवल सुनता हूँ अपितु आपको फॉलो करता हूँ। मैं हमेशा इन सब चीज़ों को सकारात्मक रूप में देखता हूँ और आपके मुख से मैंने यही सुना है कि जीवन में जो भी घटता है वे सब अपने अपने कर्म संयोगों के ऊपर निर्भर करता है। मैं उसे हंसकर भोगूं तो और रोकर भोगूं तो, हमें तो भोगना ही है, जब भोगना है तो हंसकर क्यों ना भोगूं, रोकर क्यों भोगूं। महाराज जी मैंने आपकी बातों को समझा और ये समझा कि मेरा भाई विक्षिप्त जरूर है पर मैं इस बात से अपने आप को सुखी मानता हूँ क्योंकि मेरा भाई विक्षिप्त है पर कम से कम चीखता चिल्लाता तो नहीं है। दुनिया में ऐसे भी बहुत सारे विक्षिप्त लोग हैं जो बहुत चीखा चिल्ली करते हैं, जीना दुश्वार होता है, महाराज पड़ा रहता है, पड़ा है। पत्नी को कैंसर है लेकिन मैं इस बात का अपने आप में संतोष रखता हूँ कि वो कैंसर है पर डॉक्टर ने कह दिया क्यूरेबल है और आप लोगों की कृपा से मैं इतना सक्षम हूँ कि उसकी चिकित्सा करा पा रहा हूँ। महाराज मेरी माँ बीमार है लेकिन इतनी बीमार नहीं है कि वो एकदम अशक्त हो, और मैं सोचता हूँ चलो कम से कम इस बहाने में माँ की सेवा तो कर रहा हूँ। महाराज लोग कहते हैं कि ये मेरे सामने समस्या है पर मैं समझता हूँ ये मेरी तपस्या है। ये किसी संत के उद्गार नहीं, आपकी तरह जमीन पर बैठने वाला आपका ये एक साधर्मी है। अगर ऐसा दृष्टिकोण विकसित हो जाए तो तुम्हें कभी कोई दुखी कर पाएगा? बोलो। ध्यान रखना, तुम्हें सुख पहुंचाने में तो फिर भी कोई दूसरा निमित्त बन सकता है पर तुम दुखी खुद अपनी वजह से होते हो, कोई दूसरा तुम्हें दुखी नहीं कर सकता। दुख में सुख खोजने की कला विकसित कीजिए। इस संसार में सबको सब प्रकार का सुख मिल ही नहीं सकता। तुम सोचो कि मेरे जीवन में कोई अघट न घटे, असंभव। पर कितना भी अघट घटे मैं उससे विचलित ना हूं यह तो संभव है। संभव है कि नहीं? बदलेगा क्योंकि जीवन का हिस्सा है। दुख में सुख खोजना सीखे। एक सज्जन जिनको व्यापार में बड़ा नुकसान हुआ, बेटा कारोबार में आगे बढ़ा और नुकसान हुआ, उस व्यक्ति ने आकर के जब मुझसे बात हुई तो उसने कहा, महाराज लोग कहते हैं नुकसान और मैं समझता हूं नसीहत। मैं इसे नुकसान के रूप में नहीं देखता, मैं इसे एक नसीहत के रूप में देखता हूं। मेरे बेटे ने सिस्टम की कमी की इसलिए नुकसान हुआ। मैंने बेटे से कह दिया, बेटा ये समझ हमने अपने जीवन में इतना कम कमाया, अब सिस्टम को सुधार ताकि आगे बढ़ सके। इसे नुकसान नहीं नसीहत मानो। आप मान सकते हैं ऐसा? अरे सब मिट गओ, सब मिट गओ, सब बर्बाद हो गया, अब हम पूरे जीरो पे आ गए, रोने से क्या सुधर जाएगा? जो शक्ति तुम अपनी समस्याओं को देखकर उस समस्या के आगे लगाते हो, वही शक्ति यदि समस्या को पार करने में लगा दो जीवन बदल जाएगा। मैं अक्सर कहता हूं तुम्हारे सामने इतनी सी समस्या हो, मेरे उंगलियों को देखेगा,
तुम्हारे सामने इतनी समस्या हो, तुम इस समस्या को देखना बंद करो, अपने आप को इतना बड़ा बना लो, समस्या अपने आप छोटी हो जाएगी। समस्या इतनी है इसे रहने दो, अपने आप को इतना बड़ा बना लो, हमेशा समस्या की ओर देखने की जगह समाधान की तरफ देखना शुरू कर दो, रास्ता प्रशस्त हो जाएगा। लोग समस्याओं में उलझे रहते हैं तो उलझ के रह जाते, समाधान की तरफ दृष्टि रखे तो जीवन का काया कल्प हो जाए। तो दुख में सुख खोजिए, प्रतिकूलता में अनुकूलता देखिए। कितनी भी प्रतिकूलता हो, उस प्रतिकूलता में भी अनुकूलता देखिए। चाहे घर परिवार की बात हो, चाहे समाज की बात हो, चाहे व्यापार धंधे की बात हो, चाहे शरीर के स्वास्थ्य की बात हो, कुछ भी हो, प्रतिकूल है माना, लेकिन यदि उसके अंदर उतर करके देखोगे तो प्रतिकूलता में भी अनुकूलता दिखाई पड़ेगी। लेकिन क्या बताऊं, प्रतिकूलता में अनुकूलता ढूंढने वाले लोग तो बहुत कम हैं, अनुकूलता में भी प्रतिकूलता ढूंढने वाले लोग ज़्यादा है। एक बार एक बहन जी आई और बहुत दुखी होकर कही, महाराज जी आप कुछ करिए ना, बहुत तकलीफ है। मैंने पूछा क्या बात है, बोले हमारे ये हैं ना बिल्कुल धर्मी नहीं हैं, देखिए ना आप इतने दिन से यहाँ हैं, आज तक कभी आपके पास भी नहीं आए, यहाँ विधान होने जा रहा है, मैं भी सोचती हूँ कि उसमें कुछ बढ़ चढ़ करके हिस्सा लूँ, महाराज आपके आशीर्वाद से कमी कुछ है ही नहीं, लेकिन ये सुनते ही नहीं है, आप कुछ करिए ना। मैंने पूछा ये बताओ तुम्हारा पति क्या करता है, बोले महाराज बिजनेस है, सब कुछ अच्छा है। बोले अच्छा, तुम धर्म करती हो, तुम्हें रोकता तो नहीं है? बोले नहीं महाराज, ये मुझे रोकता नहीं है, हमले बाकी मामले में तो पूरे गौ है। महाराज मैं तो रोज शंका समाधान में आती हूँ, खाना रख के बना के छोड़ आती हूँ, चुपचाप अपने हाथ से लेके खा भी लेते हैं, महाराज इसका तो बड़ा आनंद है। बोले अच्छा, हमने कहा शराब वराब तो नहीं पीते? महाराज सुपारी तक नहीं खाते। मैंने पूछा अच्छा, तुम्हारे साथ कभी कोई मारपीट? महाराज हमारे आगे उनकी चलती नहीं है। क्या अच्छी बात, हमारे आगे चलती नहीं। बोले ठीक। हम बोले और तुम्हारी भावनाओं की कद? महाराज आगे से आगे पूर्ति हो जाती, बस एक ही चीज की कमी है, मंदिर नहीं आते। हमने कहा एक काम करो, कल सवेरे भगवान के चरणों में जाकर एक श्रीफल चढ़ाओ कि हे भगवान अगले जन्म में ऐसा ही पति मिले। तुम कह रही हो कि एक धर्म, वो धर्म नहीं कर रहा, ये तुम्हारी शिकायत है, पर तुम्हारे धर्म में रोक नहीं लगा रहा, ये कम बड़ी बात है क्या? अगर कल तुम्हारे लिए धर्म से रोक दिया होता तो क्या होता? कल तुम्हारे लिए तुम्हारा पति इतना सीधा नौकर शराबी और कबाबी होता तो तुम्हारा क्या होता? रोज तुम्हारे साथ मार पीट किया होता तो क्या होता? तुम्हारा पति एकदम निखट्टू होता, कमाऊ नहीं होता तो तुम्हारा क्या होता? तुम्हारी भावनाओं की कद्र नहीं किया होता तो क्या होता? महाराज ऐसा तो हमने कभी सोचा ही नहीं। हम बोले अब सोच लो, बदलाव, दुख में सुख खोजो, प्रतिकूल की अनुकूल व्याख्या करना सीखो। हमेशा एक बात ध्यान रखना, हम इवेंट को नहीं बदल सकते पर उसके प्रति अपने एटीट्यूड को जरूर बदल सकते हैं। चीजें हमारे दृष्टिकोण पर निर्भर करती है, क्या घट रहा है ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण ये है कि हम उसे किस नजरिए से देख रहे हैं। अपने जीवन को सुखी बनाना चाहते हो तो सकारात्मक दृष्टि रखिए। आज से तय कर लीजिए प्रतिकूलता में अनुकूलता खोजेंगे, विपत्ति में भी संपत्ति देखेंगे। खो गया उसे मत देखो, जो बच गया उसे देखो। ये दृष्टिकोण यदि अंतर में विकसित होगा तो कोई दिक्कत नहीं। तो मैं आपसे कहता हूं सकारात्मक दृष्टि रखिए, दुख में सुख खोजिए, प्रतिकूल की अनुकूल व्याख्या कीजिए, विपत्ति में संपत्ति खोजिए और मुश्किलों में अवसर ढूंढिए। जिसकी दृष्टि सकारात्मक होगी वो मुश्किल घड़ियों में भी अवसर ढूंढता है,
लेकिन आप लोग तो क्या है, केवल नकारात्मक नकारात्मक नकारात्मक। एक कॉलेज में एक प्रोफेसर एक दिन अचानक पहुंच गया और सरप्राइजिंग टेस्ट लेने के लिए सारे स्टूडेंट से कहा कि मैं तुम लोगों से एक सवाल देता हूं और मैं चाहता हूं कि तुम लोग इसका हल करो। सबको कॉपी दे दी, कॉपी दी, पूरी कॉपी एकदम ब्लैंक, कहीं कुछ नहीं लिखा। आखिरी पन्ने में एक छोटा सा डॉट भर था और उसने कहा कि मैं तुम्हें एक कॉपी दे रहा हूं, उसमें एक प्रश्न है, उसका हल लिखना है। सब बच्चों ने कॉपी को उलट पलट कर देखा, देखा कि केवल एक डॉट है। और डॉट देखने के बाद सबने जब कॉपी जमा की, 10 स्टूडेंट थे, ज़्यादा लोग नहीं थे, उनने सबके कॉपी को पढ़ा और ज़ोर ज़ोर से पढ़ा। सब ने कॉपी में केवल डाट का जिक्र किया, ये डाट है, ये काला डाट है, ये कलंक है, ये है, वो है। डाट के बारे में जिसको जो जो टिप्पणी करनी थी सब ने टिप्पणियाँ की, पर किसी ने कागज़ के बारे में कुछ नहीं लिखा। उस प्रोफेसर ने सबको समझाया, कहा बताओ कैसा दृष्टिकोण है तुम लोगों का, मैं उसे ही भांपने के लिए यहाँ आया था। तुम्हें 8 पेज की कॉपी में कुछ नज़र नहीं आया, केवल एक छोटा सा डॉट नज़र आया। काश इस डॉट को देखने की जगह खाली कागज के गीत गाए होते तो तुम कुछ और कर सकते थे। बस बंधुओं, मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, जीवन के पृष्ठों में डाट 1, 2, 4 ही होंगे, बाकी पेज खाली है। आप किसी को देखे तो खाली पेज को देखे, डाट को देखने की आदत से बचिए। खाली पेज की तरफ अपनी दृष्टि दौड़ाइए, डाट को देखने की आदत से बचिए। जब आपकी दृष्टि में खाली पेज होगा तभी आप उसमें कुछ अच्छा लिख सकोगे, कोई अच्छा चित्र आंक सकोगे। और केवल डाट को देखोगे तो डाट डाट में तो केवल गंदगी हाथ में आएगी और कुछ नहीं। तीसरा सूत्र, प्रतिक्रियाएं कम करें और प्रतिक्रियाओं से प्रभावित ना हो। आजकल क्या होता है, कोई ना कोई निमित्त तो आते ही रहता है, और जब निमित्त आता है चीज़ें हमें प्रभावित करती है, हम प्रतिक्रियाएं कर बैठते हैं और ये प्रतिक्रियाएं हमें परेशान करती है ना। प्रायः आपकी प्रतिक्रियाएं नकारात्मक होती है। दोनों बातें मैं इसके साथ कहूँगा, पहले तो आप किसी की प्रतिक्रिया से प्रभावित ना हो और दूसरी बात प्रतिक्रियाएं करें मत। जब आप प्रतिक्रियाओं से प्रभावित होंगे तो आपकी प्रतिक्रिया होगी। जैसे किसी ने आपको कुछ कह दिया, आप तुरंत उस बात को पकड़ लिए और पकड़ने के बाद क्या होता है, शांत सरोवर में एक कंकड़ फेंका, उससे वलय उत्पन्न हुआ, वलय से दूसरी, दूसरे से तीसरी, तीसरे से चौथी, वलय दर वलय, वलय दर वलय होते होते पूरे सरोवर में व्याप्त हो जाते। एक व्यक्ति ने कोई शब्द कहा, वो शब्द हमारे मनोनुकूल नहीं हुआ, कानों से गया, हृदय को बीझ डालता है ना। जैसे किसी ने आपको गधा कह दिया, क्या कह दिया, अच्छा मुझे गधा कहता है, इतनी हिम्मत हो गई उसकी, 4 आदमी के सामने मुझे गधा बता दिया, बहुत बढ़ गया है, अभी बताता हूँ उसको, मुझे गधा कहता है, औकात दिखा दूंगा, गधा कहता है, मैं गधा हूँ क्या। अगले ने तो केवल एक बार गधा कहा, पर खुद ने खुद को 7 बार गधा बना दिया। बोलो होता है कि नहीं। सामने वाला अपनी बात कहकर निकल गया और आप उसको पकड़ कर बैठ गए। जब आप बात पकड़ोगे तो बात रोग लग जाएगा। आयुर्वेद में बात रोग सबसे भयानक होता है, 84 प्रकार का बात होता है और ये बात रोग बहुत परेशान करता है।
तो मुझे नहीं मालूम बात पित्त कफ वाला बात रोग कुछ करता है या नहीं करता, पर किसी की बात लग जाने पर रोग भयानक होता है, मन अशांत हो जाता है। और हमारे मन की विचित्रता यह है कि अच्छी बातें कम और बुरी बातें पूरी पकड़ में आ जाती है। तुम रोज प्रवचनों में अच्छी अच्छी बातें सुनते हो, वो तुम्हें याद नहीं रहेगा, लेकिन किसी व्यक्ति ने कभी तुमसे कुछ कह दिया तो पूरी जिंदगी उसे भूलते नहीं, है ना? क्या हो गया? पकड़ कर बैठ जाते हैं। अगर पकड़ करके इस तरह से बैठोगे तो अशांत होगे, और नजरअंदाज करने की कला सीख लोगे तो सदैव सुखी रहोगे। तुमसे कोई कुछ ना बोले ये तुम्हारे हाथ में नहीं है, पर कोई कितना भी बोले मैं उसकी कोई प्रतिक्रिया ना दूं ये तो मेरे हाथ में है। मुस्कुरा कर टाल दो। मैं एक दंपति को जानता हूं जिसका पति बहुत गुस्सा है। तो एक बार उसकी सहेली ने बताया कि महाराज जी इनके पतिदेव बड़े गुस्सैल है, और वो जितने गुस्सैल है वो इतनी शांत है, और महाराज जी सबसे बड़ी बुरी बात ये है कि सारा गुस्सा इसी पर उतारते जबकि ये गौ है, सारा गुस्सा इसी पर उतारते हैं जबकि ये गौ है। तो उसने जो कहा वो ध्यान देने लायक है, और यदि इस पर अमल कर लो तो जीवन की समस्याएँ हल हो जाए। उसने कहा महाराज जी मैं सोचती हूँ दिन भर काम करते हैं, थक जाते हैं, परेशान होते हैं, फ्रस्ट्रेट रहते हैं, अपनी भड़ास कहाँ निकालेंगे, मैं सोचती हूँ अच्छा है मुझ पर निकाल ले, किसी और पर निकाल ले तो समस्या आ जाए, किसी और पर निकाल ले तो समस्या हो जाए। महाराज मुझ पर निकालते हैं और ये निकालते रहते हैं, मैं चुपचाप रहती हूँ, मुझे मालूम है इनकी मशीन भरी है, फटाफट चलेगी, थोड़े देर बाद खाली हो जाएगी। ठीक है महाराज जी ये बोलते हैं, मैंने अपना एक प्रकार का व्रत ले लिया, ये बोलेंगे मैं सुनूंगी, इधर से सुनूंगी, इधर से निकालूंगी, मामला ठीक हो जाता है। और आप भी बोलते हैं महाराज बात को पकड़ोगे तो बात उलझेगी, और बात को बाईपास करोगे तो बात सुलझेगी। मैं बात सुलझाने का रास्ता अंगीकार करती, उलझाने का नहीं। आप क्या करते, पकड़ते हो या जीवन को सदाबहार प्रसन्न बनाए रखना चाहते हो? तो कुछ बातों को नजरअंदाज करो और कुछ बातों को बर्दाश्त करो, बस ये दो बातें आत्मसात कर लो। बर्दाश्त करने की शक्ति और नजरअंदाज करने की क्षमता यदि मनुष्य के अंतर में विकसित हो जाए तो उसे कभी कोई दुखी बना नहीं सकता। तो हमें चाहिए प्रतिक्रियाएं कम करें, और कदाचित प्रतिक्रियाओं से प्रभावित ना हो, कौन क्या बोल रहा है उसको दिमाग से निकालो, मुझे क्या करना है इसे सदैव सामने रखो। लोगों को देखोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे, और खुद को देखोगे तो रुक नहीं पाओगे, आगे बढ़ना है। अपने आप को देखो, अपने लक्ष्य की तरफ दृष्टि रखते हुए आगे बढ़ो तो जीवन में कभी दुखी नहीं हो सकोगे। और प्रतिक्रियाएँ से बचो, खुद प्रतिक्रियाएँ कम से कम करो, जितना बने कम प्रतिक्रिया करो, और कदाचित इतना संभव नहीं है तो कम से कम नकारात्मक प्रतिक्रियाओं से तो बचो, नकारात्मक प्रतिक्रियाओं से बचो। कई लोग हैं जो प्रायः बहुत ज़्यादा नकारात्मक प्रतिक्रिया करते हैं, कोई भी बात हो तो केवल और केवल गुस्से से भर करके कहते हैं, मामला बड़ा विचित्र हो जाता है, ऐसे लोगों का हाल भी बड़ा बेहाल होता है। एक आदमी गुस्सैल था और उसके गुस्सा के आगे उसकी धर्मपत्नी बहुत परेशान हो गई। एक रोज़ रात के 12 बजे उठी और कहा उठो दूध पी लो। रात के 12 बजे अपने पति को जगाकर कहती उठो दूध पी लो। पति ने कहा क्या बात है आज रात के 12 बजे इतना प्यार कैसे उमड़ आया, क्या बात है रात के 12 बजे इतना प्यार कैसे उमड़ आया। उसने कहा प्यार व्यार छोड़ो, अभी कैलेंडर में देखा आज नागपंचमी है, सोचा सांप कहां से लाया, आपको ही भी ला दो। कहां ढूंढे हमने अपनी स्थिति क्या बना रखी। हमें अपने अंदर बदलाव लाना बेहद जरूरी है, और जब तक मनुष्य अपने सोच में ऐसा बदलाव नहीं लाता जीवन कभी खुशहाल नहीं बन सकता। चौथी और आखिरी बात,
अपनी स्थिति में संतोष करे। कल बात आई थी संतोष कैसे लाए, अपनी स्थिति में संतुष्ट रहो। तुम्हारे पास जो है, जैसा है, जितना है, उतने में संतोष करो। महाराज यही नहीं होता बाकी सब होता है, तो रो हम क्या करें। कहावत है संतोषी सदा सुखी, तो असंतोषी सदा दुखी। तो अपने अंदर संतोष को विकसित करना चाहिए। कब होगा संतोष, कब होगा? जब आप अपने पास उपलब्ध वस्तुओं और उपलब्ध संबंधों को देखोगे। आप अपनी ओर देखोगे संतोष होगा, और औरों की ओर देखोगे असंतोष बढ़ेगा। जब भी दूसरों की तरफ दृष्टि जाएगी असंतोष ही बढ़ेगा, और संतोष तभी आएगा जब अपनी तरफ दृष्टि होगी। और एक बात ध्यान रखना, तुम्हारे काम में क्या आएगा, जो तुम्हारे पास है वो, या तुम्हारे पड़ोसी के पास है वो? क्या आता है काम में? जो तुम्हारा है, जो तुम्हारे पास है, वही तुम्हारे काम में आता है। पड़ोसी के पास जो है वो तो काम में नहीं आता ना, नहीं आता। तो जो तुम्हारे काम का नहीं उधर ध्यान क्यों, तुम्हारा ध्यान उसकी तरफ क्यों नहीं जो तुम्हारा है, तुम्हारे काम का है? उसकी तरफ दृष्टि रखो हमेशा। जो तुम्हारे पास है उसका सत्कार करना सीखो। उसकी तरफ कभी मत देखो जो औरों के पास है। औरों के पास देखोगे दौड़ते रह जाओगे, और अपने पास देखोगे दौड़ समाप्त हो जाएगी। तो अपनी तरफ देखने की दृष्टि विकसित कीजिए, जीवन आनंद से भर जाएगा। लेकिन ये बड़ा मुश्किल है। मनुष्य के पास लाख हो, उस लाख की तरफ नहीं देखता, दूसरों के करोड़ के तरफ उसकी दृष्टि लपलपाती रहती है। ये लपलपाहट उसे बेचैन करती है, परेशान करती है। उसके परिणाम स्वरूप वो लाख का सुख तो नहीं भोग पाता, 99 लाख के अभाव के दुख को जरूर आमंत्रित कर लेता है। तुम्हारे पास लाख है, लाख का सुख भोगो। जो नहीं है उसकी तरफ मत देखो, जो है उसकी तरफ देखो। दो पड़ोसी थे, एक का नाम था हसंत जी दिलखुश, और दूसरे का नाम था रुदंत जी आंसूवाल। हसंत जी दिलखुश बड़े जिंदा दिल आदमी थे, बड़े खुश मिजाज। उनके पास रोता आदमी आता और हंसते हुए जाता, सारा दुख दर्द भूल जाता। लेकिन रुदंत जी आंसूवाल, जिसका नाम वैसा ही काम, आंसू ही बहाते रहते। भूल से कोई चला भी जाए तो कहे भैया क्या बताऊं, आज सवेरे नींद लेट खुली। कभी कहे क्या करूं, आज सवेरे पेट साफ नहीं हुआ। कभी कहे क्या कहूं, पत्नी ने आज चाय समय पर नहीं दी। कभी कहे क्या कहूं, आज खाना अच्छा नहीं मिला। कभी कहे क्या करूं, अभी तक बोहनी नहीं हुई। जो आए उसके सामने अपना ही रोना सुनाए। अब दोनों पड़ोसी थे, हुआ ये कि हसंत जी दिल खुश के यहाँ तो ठट्ठ लगे लोगों का, और रुदंत जी आंसूवाल के पास कोई फटकना न चाहे। कौन फटकेगा ऐसे के पास, तुम जाओगे क्या? अब वो अंदर ही अंदर जले भुने, ये क्या है? उसे लगता कि ये कोई मंत्र तंत्र कर देता है, इसलिए सब लोग उसके पास जाते हैं, मेरे पास कोई नहीं आता। मनुष्य की बड़ी दुर्बलता है, उसे अपनी कमजोरियां कम दिखती है, दूसरों के ऊपर इस तरह के अनर्गल आरोप जरूर लगा लेगा मनगढ़ंत। तो वो मंत्र तंत्र के चक्कर में लग गया। एक दिन वो उससे मिलने के लिए उसके घर गया। घर गया तो देखता क्या है, दो कमरे का टूटा सा छोटा सा मकान। बाहर के कमरे में वो बैठा था, और उसका 14 साल का एक बेटा उसकी गोद में लेटा था, जिसके सिर पर वो बाम बल रहा था। जाने पर उसने उसका स्वागत किया, बिठाया, बोला कैसे आया? बोले ठीक सब कुछ। ले क्या हो गया? बोला बेटा है, इसको बुखार चढ़ा है, मैं इसके सिर में दर्द है, बाम लगा रहा हूँ। बोला बैठिए, आपके लिए चाय पानी लाता हूँ। अंदर जाने लगा, बोले क्यों, घर का काम आप ही करते? बोले इसमें क्या, मैं ही करता हूँ। बोले आपकी इसकी मम्मी नहीं है? बोले इसकी मम्मी है, पागल है, अंदर के कमरे में लेटी हुई। बोले अच्छा, और आपके घर में कौन है? बोले इसका बड़ा भाई है।
मैं थोड़ा ध्यान नहीं दे पाया, आवारा बन गया है, अभी बाजार में घूम रहा होगा, थोड़ी देर बाद आएगा तो खाना खा के चला जाएगा। ये दशा देखकर उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा, उसने कहा कि पत्नी पागल, बेटा बीमार, दूसरा बेटा आवारा, घर का काम भी आपको पूरा करना और धंधे का काम भी आपको करना, फिर भी आप इतना प्रसन्न क्यों होते रहते हो, कैसे रहते हो, आपकी प्रसन्नता का राज क्या है? तो उस व्यक्ति ने जो जवाब दिया वो ध्यान देने योग्य है। उसने कहा, मैं ज़्यादा कोई मंत्र तंत्र नहीं जानता, मेरे जीवन का एक ही मंत्र है, अपनी स्थिति में संतुष्ट और प्रसन्न रहना। मैं अपनी स्थिति में संतुष्ट और प्रसन्न हूँ। मैं सोचता हूँ मेरी पत्नी पागल है तो क्या हुआ, कम से कम चिल्लाती तो नहीं। बेटा बीमार है, ठीक हो जाएगा। और जिस बेटे को मैं आवारा के रूप में देखता हूँ, मुझे इस बात का सुकून है कि बेटा सही परवरिश के अभाव में आवारा हो गया, पर इस बात का तो सुकून है कि कम से कम अपराधी तो नहीं हुआ। मैं अपनी स्थिति में हर हाल में मस्त और संतुष्ट होकर जीना चाहता हूँ। मेरा एक ही लक्ष्य और मकसद है कि नियति मुझे जिस रूप में रखना चाहती है, मैं उसी रूप में रहना चाहूँगा। यही मेरे जीवन का मूल मंत्र है और यही मेरा प्रण है, मैं उसे अपनी दृष्टि में रखता हूँ। तो इस आधार पर हर पल अपने मन को प्रसन्नता से भरे रखता हूँ। अपने हृदय में सदाबहार खुशहाली लाने के लिए इन चारों सूत्रों को आप सब आत्मसात करें तो जीवन आगे बढ़ सकेगा। आज प्रातःकाल उदासीन आश्रम, साधिका आश्रम देखकर मन बड़ा प्रसन्न हो गया। सागर जैन समाज ने परम पूज्य गुरुदेव के आज्ञा और भावनाओं का अनुकरण करते हुए सबसे पहला साधिका आश्रम बनाया, जो अत्यंत भव्य है। देख के मन गदगद हो गया, और लोगों को भी इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। और काकागंज के मंदिर के दर्शन के बाद तो मन बाग बाग हो गया, अद्भुत है काकागंज का मंदिर। जो मेरा एक संयोग, सागर में लंबे लंबे प्रवासों के बाद भी जाने का योग नहीं बना, योग आज बना था। बहुत अतिशयकारी मंदिर, और जैसा अतिशय हमने सुना था वैसा अतिशय बल्कि उससे बढ़कर साक्षात देखने को मिल गया। और आज मोरा जी के मंदिर के भी दर्शन करने का मौका मिला एक लंबे अंतराल के बाद। आप लोगों को शिकायतें बहुत है, पर मैंने जैसा कहा कि शायद अब मेरे प्रवचन के बाद आपकी शिकायत धन्यवाद में बदल जाएगी, क्योंकि आपको पता है महाराज ने अपने व्यस्ततम कार्यक्रम में से समय निकाला है। बहुत लोग रह गए हैं, पर कटरा में सब समाहित हो जाते हैं, उसे ध्यान रखें। कल प्रातःकाल भावना योग का कार्यक्रम जो बहुत प्रतीक्षित है, इसी स्थान पर होगा। प्रवचन तो अपने समय पर होगा, लेकिन प्रातःकाल 5 बजे से इसी स्थान पर भावना योग। भावना योग के लिए प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में ही सबसे अच्छा समय होता है। स्नान करके आए तो अति उत्तम है, जो नहीं आ सके वो बिना स्नान के भी आ सकते हैं। व्यवस्थापक, कल एक दिन का भावना योग लो तो पहले, आगे क्यों जा रहे हो? कल का तो लो, जो मिल रहा वो तो लो, आगे का आगे देखेंगे। आगे का हम कुछ बोल थोड़ी रहे हैं। कल प्रातःकाल भावना योग, आज शाम का शंका समाधान, आपको यहाँ लाभ मिलेगा। और फिर कल का प्रवचन भी आपके हिस्से है। जो और शेष कार्यक्रम होंगे आपको समय पर बता दिया जाएगा। मैं देख रहा हूँ क्रांत सराफ बहुत व्याकुल है, लेकिन उस व्याकुलता को थोड़ा शांत रखे, अब जैसी अनुकूलता होगी वैसा देख लिया जाएगा। हमारी यात्रा लंबी है, और बीच में अभी एक पंचकल्याणक भी संपन्न कराना है विदिशा में, तो उसके टाइम को देखते हुए काम करना है, इसलिए इन बातों को सभी ध्यान में रखेंगे। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवस। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय श्री सवाई लाल जैन जी की 20वीं पुण्य स्मृति में श्रीमती चिंतामणि सवाई लाल जैन परिवार, कन्नौज, मुंबई।